झीलों की नगरी उदयपुर की कुदरती फिजा एक बार फिर सैलानियों की सौंधी आवक से महक उठी है। दीपावली की छुट्टियों के चलते देश दुनिया के सैलानियों की बंपर आवक लेक सिटी में हो रही है, जिससे पर्यटन स्थल आबाद हो गए हैं, तो वहीं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग भी खुश हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। नीली झीलों के शहर उदयपुर में पर्यटन सीजन परवान पर है। दीपावली की छुट्टियों के साथ ही यहां पर्यटन सीजन का आगाज हो चुका है। ऐसे में भारी तादाद में देश दुनिया से पर्यटक उदयपुर का रुख कर रहे हैं। सैलानियों की बंपर आवक से शहर के तमाम पर्यटन स्थलों पर मेले सा माहौल बना हुआ है। फतेह सागर, विश्व प्रसिद्ध पिछोला झील, मोती मगरी, सिटी पैलेस, सुखाड़िया सर्किल हो या फिर सहेलियों की बाड़ी, हर ओर सैलानियों की भारी आवक नजर आ रही है। वहीं सैलानी भी कुदरती खूबसूरती वाले इस शहर में आकर खुद को धन्य समझ रहे हैं। हजारों साल पुरानी विरासत को संजोए लेक सिटी के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल सैलानियों को काफी रास आ रही हैं। बहुत अच्छा लगा वो यहाँ पे उदयपुर, बहुत अच्छा है। लेक्स है, फिर हवेलियाँ है, बहुत अच्छा है। हिस्टोरिकल घूमने के लिए बहुत अच्छा है। क्या क्या देखा आपने यहाँ? हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा आपने? फतेह सागर लेक देखा, फिर सिटी पैलेस देखा, फिर महाराणा प्रताप के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी, म्यूजियम्स देखे हम लोगों ने। ये सेकंड टाइम हम लोग विजिट कर रहे हैं उदयपुर। इसके पहले मैं 5 साल पहले आई थी, तब मैं नाथद्वारा से उदयपुर आई थी, तभी मैंने यहाँ पर पूरा किया था, विजिट किया था। बहुत अच्छा लगा उदयपुर, इसलिए सेकंड टाइम अभी कर ही रहे। मॉनसून पैलेस बहुत अच्छा है, फोक डांस बहुत अच्छा होता है। मेन तो फोक डांस देखने के लिए रात में हम लोग रुके हुए हैं, बाकी कल सुबह फिर नाथद्वारा के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो फोक डांस है वही मेन है। जो कलाकृति है अपनी, वही देखने का जो डांस रहता है वही, मतलब मुझे तो ज़्यादा डांस का पसंद है, तो फोक डांस बहुत अच्छा है यहाँ का। मैं तो मेरा फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ उदयपुर, बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है अभी दोपहर में, ये है बहुत सही। हम गुजरात से आए ना, गुजरात में क्या है कि वैकेशन रहता है हम लोगों का, 10 दिन का वैकेशन रहता है, और यहाँ पे क्या है वेदर भी थोड़ा चेंज हो जाता है ना, ठंडा आ जाता है थोड़ा वेदर, तो घूमने भी मज़ा आती है। और हम लोगों का टाइम भी रहता है घूमने के लिए, इससे ज़्यादातर विजिटर सब गुजरात के ही होते हैं, सब यहाँ वहाँ पे छुट्टी होती है 10-15 दिन की हम लोग को दिवाली की, इसलिए यहाँ पे हम घूमने आते हैं, अच्छा है बाकी सब। उदयपुर के चारों ओर करीब 14 से ज्यादा छोटे और बड़े जलाशय हैं, झील और तालाब हैं। ऐसे में यहाँ झीलों में बोटिंग को लेकर भी खास प्रबंध किए जाते हैं, जो सैलानियों को काफी रास आ रही हैं। इससे लंबे समय से सुस्ती की मार झेल रहा पर्यटन व्यवसाय भी रफ्तार पकड़ने लगा, और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग भी खुश नजर आ रहे हैं। बहरहाल 2 वर्षों तक कोरोना की मार के चलते पर्यटन व्यवसाय रसातल में चला गया था, लेकिन अब झीलों के शहर में सैलानियों की बहार ने पर्यटन व्यवसाय को फलने फूलने का मौका दिया है। रवि कुमार शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, उदयपुर।